जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप सबके बीच में आए बिहार से रिलेटेड कृषि समस्या के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि आज हमारा बिहार इतना अत्यंत पिछड़ा राज्य क्यों बना हुआ है, कृषि समस्या इतना गंभीर चेतावनी क्यों बनी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। आज अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बिहार की जो आबादी है ना सर, 12.5 करोड़ आबादी है, जिसमें से 90% आबादी हमारे गाँव में निवास करती है। अधिकांश आबादी जितने भी गाँव की है सारा कृषि पर डिपेंड करता है। फिर भी देखा जाए भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित में हमारा बिहार को अगर कंपैरिजन किया जाए तो कृषि के मामले में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा है। सर सोच नहीं सकते आज जिस बिहार की धरती पे ऐसे ऐसे इंसानों का जन्म हुआ, आज वो बिहार हमारा अत्यंत पिछड़ा होते जा रहा है। क्यों, आखिर वजह क्या, कृषि एक गंभीर समस्या क्यों बनती जा रही है, इस पर आज चर्चा करते हैं। आइए हम सब देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे ना तो खेतों का जो छोटा आकार। सबसे पहली बात देखिए कि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, गाँव में जनसंख्या बढ़ रही है, राज्य में बढ़ रही है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। जैसे परिवार में जनसंख्या वृद्धि होती है ना तो उसका जो खेती का भूमि होता उसमें भी बंटवारा होता, और जब भूमि का छोटा आकार होता तो उसमें खेती करना कठिन हो जाता, जिसके लिए खेतों का जो छोटा आकार है ये गंभीर समस्या बन जाती है। नंबर दूसरी बात करेंगे कि तकनीकी की कमी। अगर तकनीकी की कमी बात कीजिएगा ना तो बिहार के पास ना कोई ज्यादा तकनीकी नहीं है, कोई टेक्निकल माइंड नहीं है, किसानों को कोई तकनीकी ज्ञान भी देने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। अगर उसको तकनीकी दिया जाए, उसके टेक्निकल माइंड से अगर खेती करने का शिक्षा दिया जाए तो आज हमारा बिहार एक अच्छा खासा कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है। तो ये समस्या। नंबर तीसरा सबसे बड़ी समस्या जो बात करेंगे बाढ़ और सुखाड़ की। आज बिहार की मैप के अनुसार जैसे बिहार आपको दिख रहा है, अगर उत्तरी बिहार में देखिएगा ना सर तो बाढ़ आता है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है। जहां पे उत्तरी बिहार में सालों भर पानी की होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, लेकिन अगर दक्षिणी बिहार में बात कीजिए ना तो सुखाड़ ही सुखाड़ है। तो उत्तरी बिहार में बाढ़, दक्षिणी बिहार में सुखाड़। और देखिए बाढ़ से समस्या गंभीर समस्या ये बन जाती है कि जितने भी उत्तरी बिहार के 70 लाख हेक्टेयर भूमि है ना सर, वो बाढ़ से ग्रस्त होता है। वहां के लोग को आर्थिक नुकसान होती है, उसे बीमारियां पैदा करती है, बीमारी जैसे कि वायरस तायरस का रोग, जो भी बीमारी होती है, जांग बांग का क्षति होता है, जिससे हमारा बिहार एक अत्यंत पिछड़ा राज्य बनते जा रहा है। तो बिहार बाढ़ और सुखाड़ हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट बात करेंगे परंपरागत बीजों का प्रयोग। आज हमारे बिहार का पास माइंड नहीं है। आप सोचिएगा ना सर, ये क्या करेगा, एक बीज का उत्पादन से फसल किया, उसी बीज को फिर दोबारा बोया, फिर तिवारा बोया, तो जिससे प्रोडक्शन नहीं होता। देखिए अच्छी पैदावार के लिए ना आपको हाइब्रिड बीज का यूज करना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड का यूज करते हैं बीज तो आपका उत्पादन और फसल की जो कैपेसिटी होगी ज्यादा बढ़ेगी। तो परंपरागत बीजों का उपयोग करना। नंबर बात करें नेक्स्ट की सिंचाई की व्यवस्था का अभाव। हमारे बिहार पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं। आज देखिएगा पंजाब जैसे ऊंची भूमि, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हरियाणा, ये सब राज्य बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है सिंचाई को लेकर, आज जबकि हमारा बिहार सिंचाई की व्यवस्था में तरक्की नहीं कर रहा है। क्योंकि इसकी मेन जड़ है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, नहरें सही नहीं है, पानी सही नहीं है, तालाब सही नहीं है, ये योजना वगैरह जो भी बनाया जा रहा है उसकी सही तरीके से जाँच वगैरह नहीं होता, जिससे हमारा बिहार क्या सिंचाई की व्यवस्था में अभाव है। नंबर बात करेंगे अगला वर्षा की अनियमित समय। हमारे बिहार में ना जानते वर्षा टाइम पे नहीं होता, जिस समय हमको बारिश की जरूरत होती उस समय बारिश नहीं होता, वो बाद में होता है। अगर ये साल अगर बारिश अच्छी खासी हुई तो दूसरा जो नेक्स्ट ईयर है उसमें बारिश की कमी पड़ जाती, तो ऐसे वर्षा की समस्या से हमारा कृषि पे डिपेंड पड़ता है। नंबर बात करेंगे पूंजी का अभाव। देखिए बिहार की जो जनसंख्या है ना सारा गरीब इंसान है, और जिसके पास ज़्यादा खेत है वो खेती नहीं करना चाहिए, और जिसके पास जो किसान गरीब है खेती करना चाहते उसके पास पूंजी का अभाव है, तो जिसके कारण पूंजी के अभाव होने के कारण क्या होता है, किसान की खेती अच्छी खासी नहीं हो पाती है, कि खेती को करने की पूंजी की जरूरत होती है। और नंबर बात करेंगे नेक्स्ट मिट्टी का कटाव। देखिए मिट्टी का कटाव ना एक गंभीर समस्या बन चुका है सर। आप सोचिए एक बार कीजिए, जिस जगह पर पेड़ लगाया जाता है, वन लगाया जाता है, अगर उस वृक्ष को काट दिया जाता है तो उस जगह पर जो मिट्टी होती है ना उस मिट्टी में कटाव हो जाती है, तो मिट्टी कटाव एक गंभीर समस्या बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे सर कि हमारे अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। आज हमारे खेती में क्या कर रहे हैं जानते हैं, किसानों लोग भी क्या कर रहे हैं, कीटनाशक का DDT जो वगैरह होता है, खरपतवार वगैरह जो छिड़काव होता है वो ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो ह्यूमस पावर होता है ना सर वो खराब हो जाता है, जिससे कि मिट्टी में पैदावार की क्षमता खत्म हो जाती है। इस तरह से हमारे बिहार में कृषि की समस्या बनी हुई सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।